द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक में मुसलमानों को दरकिनार कर चुनावी बिसात बिछाने वाली भाजपा बैकफुट पर आ गई है। कर्नाटक में जिसे बीजेपी ने खेवन हार बनाया, उन्होंने ही जोरदार झटका दिया है और बीजेपी के तमाम प्लान पर पानी फेर दिया है। हम बात कर रहे हैं बीएस येदियुरप्पा की। उन्होंने खुले तौर पर कहा है, मेरा स्टैंड क्लियर है कि आप गैर जरूरी विवाद में ना फंसें, खास करके हिजाब और हलाल का मुद्दा गैर जरूरी थे। इसे बीजेपी ने कर्नाटक में इस तरीके से बुलाने की कोशिश की, जिसके बाद येदियुरप्पा खासे नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां मुसलमानों का आरक्षण भी 4% छीन लिया, जिसके बाद मामला बेहद तूल पकड़ा था और लोग येदियुरप्पा के घर को घेरने पहुंच गए थे। बीजेपी से खास करके येदियुरप्पा के चेहरे पर इस बार सब कुछ डिपेंड कर रहा है बीजेपी के लिए कि सत्ता में वो आएगी या नहीं आएगी। येदियुरप्पा ने नेतृत्व तो संभाल लिया है, लेकिन बीजेपी के उन तमाम प्लान को दरकिनार कर रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। येदियुरप्पा ने क्या कहा है वो जानना समझना जरूरी है, और बीजेपी क्यों मुसलमानों को दरकिनार कर ध्रुवीकरण की सियासत करना चाहती है और इसका फायदा उसे इस बार मिलता हुआ दरअसल दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। इस वजह से येदियुरप्पा ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि काश इसी बहाने मुसलमान उनके संपर्क में आ जाए, उनका वोट बीजेपी को मिल जाए, लेकिन अब काफी देरी हो चुकी है, चुनाव में समय बचे नहीं है। मुसलमानों को दरकिनार करने की जो चाहत बीजेपी की थी वो सब अब बीजेपी को ही बैकफायर कर गई है। इस संबंध में सबसे पहले जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए एबीपी न्यूज ने येदियुरप्पा को लेकर क्या लिखा है। हेडलाइन में है, कर्नाटक इलेक्शन 2023। कर्नाटक चुनाव के बीच बीएस येदियुरप्पा का अहम बयान, हिजाब हलाल मुद्दे जरूरी नहीं, मैंने शुरू से ही यह स्टैंड लिया है। उनके इस स्टेटमेंट के बाद तो मानिए बीजेपी को सांप सूंघ गया हो। वैसे भी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हार तय बताई जाती है। जितने भी सर्वे आए हैं उसमें बीजेपी के लिए मुश्किल घड़ी साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। कर्नाटक की बुम्बई सरकार को 40% कमीशन की सरकार भी कहा जाने लगा है। कांग्रेस ने यह नाम दिया है, पेटीएम की तुलना में उन्हें पेशियम कह दिया गया है। हाईकोर्ट ने भी कर्नाटक की बुम्बई सरकार को, या यूं कह लें कि भाजपा सरकार को, करारा फटकार लगाते हुए कहा था कि आपके यहां तो कोई भी फाइल बिना घूस दिए आगे बढ़ती ही नहीं। तमाम विवादित मुद्दे कर्नाटक में हो गए और खास करके मुसलमानों का जो मामला था वो बड़ा मुद्दा बन गया। हुआ क्या था, हिजाब का मुद्दा, हिजाब को बैन कराया गया। आप जानते हैं कर्नाटक हाईकोर्ट में फैसला हुआ, सरकारें हिजाब को बैन कराने के लिए बेचैन हो उठी और इस वक्त येदियुरप्पा ने कह दिया कि यह गैर जरूरी मुद्दा था। हलाल बिल जो है वहां पर, एंटी हलाल बिल कर्नाटक में पेश करने के लिए सरकार उतारू हो गई, बेताब हो गई, खूब बहस हुई इस पर। यह मुद्दा भी येदियुरप्पा साहब ने कहा कि गैर जरूरी है, इसकी जरूरत ही नहीं है। वहीं मुसलमानों को आरक्षण का जो मामला था वो तो काफी तूल पकड़ गया, 4% आरक्षण, यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जा गिरा है औंधे मुंह, क्योंकि जो टिप्पणी हुई है उसके बाद अगर फैसले की आप उम्मीद करेंगे तो बीजेपी को यहां भी झटका लग सकता है। हम डिटेल में उसको बताएंगे, पहले येदियुरप्पा के स्टैंड को समझते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। हिजाब और हलाल गैर जरूरी मुद्दे थे। एबीपी न्यूज ने लिखा है, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने चुनावी घमासान के बीच अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिजाब और हलाल से जुड़े विवाद गैर जरूरी हैं। चुनाव की घोषणा से पहले राज्य में इन दोनों ही मसलों पर काफी वाद विवाद हुआ था। येदियुरप्पा ने कहा कि हिंदू और मुसलमान को भाईचारे से रहना चाहिए। अब इस टिप्पणी को जरा समझिए, यहाँ अब भाईचारे की बात हो रही है, क्योंकि बीजेपी की दाल वहां गल नहीं रही है। कर्नाटक में जिस हिसाब से मुसलमानों के प्रति इन लोगों ने व्यवहार किया, सलूक किया, वो हर मुसलमान जान समझ चुका है। बीजेपी की कोई भी साजिश वहां पर सफल होती नहीं दिखाई पड़ रही है। उन्हें लगता है ध्रुवीकरण की सियासत से ही गद्दी हासिल की जा सकती है, जैसे कि केंद्र की सियासत में या फिर विधायकी में बीजेपी ने अपने पार्टी में मुसलमानों को साफ तौर पर दरकिनार कर दिया। एक भी विधायक, एक भी सांसद, जनप्रतिनिधि आपको मुसलमान नहीं मिलेंगे जो भाजपा में हो।
और भाजपा ने जिन्हें टिकट देना मुनासिब समझा हो, ऐसा हुआ ही नहीं है। तो इस पार्टी से मुसलमान क्यों अपना रिश्ता जोड़ेंगे जिन्होंने मुसलमानों का प्रतिनिधित्व ही खत्म कर दिया। इसको लेकर जब विवाद बढ़ा है और कर्नाटक में चुनाव के वक्त तक भी इन लोगों ने मुसलमान को परेशान करना नहीं छोड़ा, उनके मदरसों पर चोट करना, उनके मस्जिद पर चोट करना, उनके आस्था के साथ खिलवाड़ करना, ना जाने मुसलमानों को कैसे हिंदुओं के त्योहार से दूर करने के लिए, उत्सव से दूर करने के लिए उनके ऊपर पाबंदी लगवाना, उन्हें मारना पीटना, ये सारी चीजें तो इस देश ने देखी। तो ऐसे में कर्नाटक में अब बीजेपी को लगता है कि हिजाब और हलाल का मुद्दा उन पर बैकफायर कर रहा है और इसे वापस हो जाना चाहिए, ये गैर जरूरी मुद्दे हैं। अगर उनके दिमाग में ऐसी कोई मंशा है तो माफ कीजिएगा, चुनाव में ये काम नहीं करने जा रहा है। इस संबंध में जरा देखिए येदियुरप्पा ने आगे क्या कहा। इसमें उन्होंने कहा है, पार्टी ने हिजाब और हलाल मुद्दे को कैसे संभाला के सवाल पर येदियुरप्पा ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा, मैं ऐसी चीजों का समर्थन नहीं करने जा रहा हूं, मैंने शुरू से ही यह स्टैंड लिया है, ये ऐसे मुद्दे थे जो जरूरी नहीं थे, मैं ऐसी चीजों का समर्थन नहीं करूंगा। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं, येदियुरप्पा के हाथ में बागडोर है कर्नाटक में, बीजेपी की बागडोर। प्रधानमंत्री मोदी खुद नतमस्तक हुए थे उनके आगे कि जरा कर्नाटक को बचा लीजिए, और जब येदियुरप्पा ने मोर्चा संभाला तो उस बीच अचानक से मुंबई सरकार ने घोषणा क्या की कि मुसलमानों का 4% आरक्षण खत्म करके उनका 2-2% लिंगायत और वोक्कलिगा समुदाय को हम देंगे। इसके बाद तो वहां बवाल तय था, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वहां क्या हुआ है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। एबीपी न्यूज ने ही लिखा है कि मुस्लिम रिजर्वेशन, कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म किए जाने पर एससी की अहम टिप्पणी, मुंबई सरकार को लग सकता है झटका। झटका कैसे लगेगा इस पे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को समझना जरूरी है। तो जरा देखिए अपने स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने कमेंट्स क्या दिए। इसमें कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का फैसला बिल्कुल गलत धारणा पर आधारित है। शीर्ष अदालत ने कहा वोक्का लिगा व लिंगायत के लिए 2-2% आरक्षण बढ़ाने का व मुसलमानों के लिए 4% ओबीसी आरक्षण खत्म करने का कर्नाटक का फैसला प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण है। यानी त्रुटिपूर्ण है, इस टिप्पणी का मतलब समझ रहे हैं आप, सरकार के इस फैसले से कोर्ट भी असंतुष्ट है, तो आने वाले समय में इस पर बड़ा फैसला हो सकता है और यह भी बैकफायर करेगा बीजेपी को। मुसलमानों की नाराजगी और मुसलमानों के प्रति बीजेपी की चिढ़ उन्हें कर्नाटक की सत्ता से बाहर करने वाली है। इस बार सब कुछ तैसा लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एंटी हलाल बिल को लेकर भी यहां पर विवाद खड़ा कर दिया गया था, क्योंकि ये जरूरत क्या है ऐसे मुद्दों को लाने की, क्या इसके बिना देश शांति से चल नहीं पा रहा, क्या किसी को नुकसान हो रहा है क्या। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो गैर जरूरी मुद्दे हैं, इसको लेकर ये लोग खींचने लगे। हिजाब क्यों बैन किया गया, क्या हिजाब में लड़कियां पढ़ाई नहीं कर पाती, क्या हिजाब में लड़कियां कीर्तिमान नहीं रच रही। हमने आपको ऐसी कई खबरें बताई हैं जिसमें हिजाब पहनी लड़कियों ने कमाल करके दिखाया है, कोई एयरक्राफ्ट उड़ा रही है तो कोई साइंटिस्ट बनी हुई है, कोई इसरो में देश का नाम बढ़ा रही है। तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिजाब के लिए लड़ाई भी लड़ी और यह भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि उस वक्त यहां पर फैसला बटा हुआ आया था, इस वजह से एक बड़ी बेंच को देने की बात कही गई, फिर उस पर जब सुनवाई होगी तो कोई ठोस निर्णय हो सकता है। लेकिन यह सरकार मुसलमानों के शिक्षा बजट को कम कर देती है, यह सरकार मुसलमानों के लिए निर्धारित जो बजट है, अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ा जो बजट है, उन सब में कटौती कर देती है। तो कैसे कोई मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी के प्रति अपने भरोसा दिखा पाएंगे, बीजेपी के लिए वोट कर पाएंगे, संभव नहीं दिखाई पड़ता है। और कर्नाटक में जब सत्ता इनके हाथ से निकलती हुई दिखाई पड़ रही है तो छटपटाहट में येदियुरप्पा बयान दे रहे हैं कि हलाल और हिजाब जैसे मुद्दे जरूरी नहीं है, मुसलमान आरक्षण का मुद्दा भी इनके लिए भारी पड़ चुका है। तमाम ऐसे मुद्दों से दरकिनार कर फिर से मुसलमानों को साधने का यह जो प्रयास है, क्या बीजेपी इसमें सफल हो पाएगी, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन येदियुरप्पा ने तो बीजेपी को ही झटका दे दिया है, उनके स्टैंड को ही बदल दिया है और अपना स्टैंड लागू कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।